हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे गॉर्जियस फॉर एवर। आज का वीडियो है एक रिव्यू बेस्ड वीडियो, जिसके अंदर मैं रिव्यू करने वाली हूँ निविया के मिल्क डिलाइट फेस वॉश का। ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने इसे परचेज किया था, लेकिन तुरंत रिव्यू देने से बेटर मुझे ये लगा कि ओवर द टाइम जब मैं इसे यूज़ करती हूँ और उसके बाद ही मुझे कैसा फील होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका रिव्यू दूँ। तो एंड तक देखिएगा ये वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि इसके क्या वेरियंट्स अवेलेबल हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसके अंदर जब उन्होंने लॉन्च किया था तब टोटल 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे, जो अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन। अभी तक जनरली आपने जो भी फेस वॉश पे देखा होगा, मैक्सिमम फेस वॉशेज जो है वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं, और कई बार जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं या ड्राई स्किन वाले हैं उनको सूटेबल नहीं होते हैं, ऑल्दो इट इज़ मेंशन्ड कि ये ऑल स्किन टाइप्स पे एप्लीकेबल है। तो इसीलिए शायद स्पेसिफिकली हर एक स्किन को टारगेट करते हुए इस तरह के फेस वॉश लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से मेरे पास है एक वेरिएंट जो कि है केयरिंग रोज वाटर, एंड दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन। पिंक कलर का पैकेजिंग है, 50 ml का पैकेजिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा है, और जस्ट लुक्स लाइक कि कोई बेबी प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, बट एक्चुअली इट इज़ फॉर अस। तो पैकेजिंग वाइज बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है, बट स्टर्डी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो मेरे पास दूसरा वेरिएंट है ये है ऑयली स्किन के लिए, और ये है फाइन ग्राम फ्लोर, जो कि मेरे पास टूटा हुआ आया था, यानी कि यहाँ पे जो इसके अंदर की पोर्शन पे जो एक नोजल जैसा था वो इसका टूटा हुआ था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट लीकेज हुआ जो बॉक्स था उसके अंदर, एंड इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी पैकेजिंग नहीं है, यानी आप इसको कैरी करेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये 2 वेरिएंट सेंसिटिव और ऑयली स्किन के लिए है। इसके अलावा सेफ्रॉन वेरिएंट है, जो कि है फॉर नॉर्मल स्किन टाइप के लिए, और 4th वेरिएंट है मॉइस्चराइजिंग हनी, जो कि है ड्राई स्किन टाइप के लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा, पैकेजिंग जो है ये 50 ml का है, तो 2 पैकेजिंग अवेलेबल है। आप 50 ml भी ले सकते हैं, प्लस 100 ml का भी पैकेजिंग अवेलेबल। 50 ml का जो कॉस्ट है वो 85 rupees है, और 100 ml का कॉस्ट 165 rupees है। दोनों ही वेरिएंट आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे नायका के ऊपर। वैलिडिटी जो फेस वॉश की है वो 2.5 years की है। व्हाट द गारंटी इज दैट इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन, और इसके अंदर मिल्क प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। मैं आपको शो करूँगी, पर इस तरह का क्रीमी टेक्सचर है, और बहुत थिक भी नहीं है, बहुत लिक्विड भी नहीं है, और इजीली जो है ऐसा लगता है कि कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक फेस वॉश है। सेकेंडली, इसके अंदर माइन्यूट से छोटे छोटे से ग्रैनुल्स हैं, जो कि हल्का सा स्क्रबिंग भी देते हैं आपके फेस को, तो जो भी डर्ट, डस्ट, ग्राइम आपके पोर्स में सेटल हो जाती हैं वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती हैं। इसको यूज़ करने के लिए उसमें मेंशन किया गया है कि आपको 1 मिनट तक इसकी मसाज करनी है, और 3 मिनट्स के लिए इसको अपने फेस पे छोड़ देना है, उसके बाद वॉश करना है, जो कि एक मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ लगा, क्योंकि फेस वॉश जनरली हम 1 मिनट तक मसाज करते हैं एंड देन वी जस्ट वॉश इट ऑफ। सो 3 मिनट्स अप्लाई करके रखना मुझे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। क्रीमी टेक्सचर होने की वजह से ये आपकी स्किन को जो है एक्सेसिवली ड्राई आउट नहीं करता, यानी कि विंटर्स के लिए भी सूटेबल है, एंड इवन अगर आप इस मॉनसून सीजन में, जबकि आप ऑयल ज़्यादा आपके फेस पर से निकलता है उस टाइम भी यूज़ करते हैं, तो भी ये सारे ऑयल को रिमूव कर लेता है और आपकी स्किन का जो बैलेंस है वो बना के रखता है, क्योंकि थोड़ा सा देर अगर आप उसको आपके फेस पे रहने देंगे तो ये एकदम स्क्विकी क्लीन हो जाएगा, कोई भी तरह का खिंचाव, इचीनेस या ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, रोज़ वाटर वाला जो वेरिएंट है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए है, इसको अप्लाई करने पे मुझे हल्का सा सेंसेशन महसूस हुआ, स्किन जो है जो जिसके पोर्स ओपन है वहाँ पर मुझे स्लाइट सा इरिटेशन फॉर फ्यू सेकेंड्स महसूस हुआ, बट उसकी वजह से कोई पिंपल या फिर मुझे रेडनेस या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो, बट यस ऑब्वियसली यू नीड टू चेक इट आउट फर्स्ट एंड देन
अप्लाई इट ऑल ओवर. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और माइल्ड है. इस फेस वॉश को आप डेली यूज़ कर सकते हो इजीली ट्वाइस अ डे और बहुत ही जेंटल है आपकी स्किन के ऊपर और क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो ओवरऑल मैंने जब इसे यूज़ किया तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड अदर वेरियंट्स एज वेल. मैंने दो ही वेरियंट यूज़ किए हैं बट ये दोनों बहुत ही अच्छे लगे मुझे. एंड आप अगर चाहें तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं और अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़ इसके बारे में. या अगर आपको कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा मुझे. अगर वीडियो पसंद आया हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे गॉर्जियस, बाय.